Hello dear students, welcome once again in my YouTube channel. So today my topic of discussion is very important, which is related to one of the very important hormone, and this hormone is secreted from posterior lobe of pituitary gland. So this hormone is ADH. सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ADH का मतलब क्या है. ADH का मतलब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. और इस हार्मोन को हम लोग वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं. दिस हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन. कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज अनदर नेम फॉर ADH. तो स्टूडेंट्स आपको ये मेमोराइज करना पड़ेगा कि वैसोप्रेसिन इज द अनदर नेम. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट होगा. पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब्स होंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर. तो ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले दो हार्मोन है बेसिकली. पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले एक ADH है और दूसरा ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन का डिस्कशन हम लोग जब रिप्रोडक्शन चैप्टर करेंगे तब पढ़ेंगे. अभी हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे. मैंने अभी इसके पहले जो भी वीडियोस डाले थे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड थे. तो ये हार्मोन भी हमारा एक्सक्रीशन से रिलेटेड है. तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. अब हम लोग बात करते हैं कि इट प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर रीअब्सॉर्प्शन. ये जो ADH हार्मोन है इसका इम्पोर्टेंट रोल है वाटर के रीअब्सॉर्प्शन में. इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर रीअब्सॉर्प्शन. वाटर कैसे रीअब्सॉर्ब होगा ये हम लोग देखेंगे. वाटर रीअब्सॉर्प्शन कहाँ पर होगा? कलेक्टिंग डक्ट में होगा. मैंने आपको यूरिन का प्रोसेस पूरा बताया था. और एक्शन ऑफ ADH क्या है? इज टू एब्सॉर्ब वाटर बैक इनटू द ब्लड. ब्लड में वाटर को वापस एब्सॉर्ब करना और लेस और कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करना. आप ऐसा समझ सकते हैं कि ADH का जो रोल है, जो फंक्शनल रोल है, वो है वाटर को एब्सॉर्ब करना बैक इन टू द ब्लड. टू एब्सॉर्ब वाटर बैक इन टू द ब्लड. और दूसरा पॉइंट हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये लेस और कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करेगा. यूरिन का अमाउंट लेस होगा बट दैट विल बी कंसंट्रेटेड यूरिन. यूरिन का क्या कंपोजिशन होता है स्टूडेंट्स, वो हम एक सेपरेट वीडियो में आपको बताएंगे. कंसंट्रेटेड यूरिन. अब हम लोग दो कंडीशंस देखते हैं कि क्या होता है जब पर्सन कोई वाटर इंटेक ज्यादा कर रहा है और कभी ऐसी कंडीशन है कि पर्सन वाटर इंटेक बहुत कम करता है. अगर बहुत ही कम वाटर इंटेक कोई पर्सन कर रहा है, वाटर का इंटेक बहुत कम है, सपोज कोई भी पर्सन है जो कि पानी बहुत कम पी रहा है, तो हमारा जो उसकी बॉडी है उस पर्सन की, वहां पे मोर ADH सीक्रेट होगा. ADH और जो वाटर इंटेक है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स. अगर वाटर इंटेक कम तो ADH ज्यादा बनेगा, और जब ADH ज्यादा होगा तो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन जो होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा. रीअब्सॉर्प्शन विल बी मोर, और इस वजह से जो यूरिन है वो लेस और कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगी. जब वाटर ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगा तो यूरिन का अमाउंट लेस होगा बट कंसंट्रेटेड यूरिन विल बी फॉर्म. दूसरी पॉइंट आती है कि वाटर जब इंटेक, कोई भी पर्सन बहुत ज्यादा वाटर इंटेक कर रहा है तो इस कंडीशन में ADH का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम हो जाएगा और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन भी कम हो जाएगा और यूरिन ज्यादा बनेगी और डाइल्यूट होगी. यूरिन का जो अमाउंट होगा इट विल बी मोर एंड डाइल्यूटेड. तो आप ऐसा कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब भी हम लोग वाटर इंटेक को बढ़ाएंगे तो ADH का सिक्रीशन घट जाएगा. इसका मतलब दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. आपने एक डिजीज का नाम सुना होगा जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस. डायबिटीज इंसिपिडस, इस डिजीज में स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक ये ऐसा डिसऑर्डर है जहां पे डेफिशिएंसी हो जाती है ADH हार्मोन की, या फिर ADH हार्मोन बहुत ही कम सीक्रेट हो रहा होता है. आप लिख सकते हैं डायबिटीज इंसिपिडस. और यहाँ पे जो ADH का लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर होगा. एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होगा, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगी. ADH होगा नहीं, जब ADH होगा नहीं या लेस होगा ADH, तो आप समझ सकते हैं वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा बहुत ही कम, तो यूरिन बहुत ही डाइल्यूटेड बनेगी और बहुत ज्यादा बार यूरिनेशन होगा. बट यूरिन डज नॉट कंटेन एनी शुगर.
इट डज नॉट कंटेन एनी शुगर। तो जो प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन होगा उसको हम लोग मिक्चुरेशन बोलते हैं, वो एक सेपरेट वीडियो हम लोग बनाएंगे, उसमें मैं बताऊंगी द एक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिन दैट इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ ADH हार्मोन इन ह्यूमंस। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा यूरिन कंपोजिशन के ऊपर, कि यूरिन के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसका क्या कलर है, उसका pH कैसा होता है, ओडर उसका कैसा है, ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी होती है, नॉर्मल एक पर्सन में कितना यूरिन आउटपुट में प्रोड्यूस होता है 24 आवर्स में। तो ये सारी डिटेल आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगी। सो आप अपडेटेड रहें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।